नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र सर, आप देख रहे हैं ग्राउंड मीडिया, साथ ही साथ बोल इंडिया 24 न्यूज़ पर आप लाइव जुड़ गए हैं। तो बड़ी खबर लेकर के आपके सामने हाजिर हुआ हूं। 6 तारीख को जो है कि भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस मनाया गया था, उसी बीच जो है कि पानीपत की जो जिला अध्यक्ष है अर्चना गुप्ता, उन्होंने किसानों को आतंकवादी, खालिस्तानी, इस प्रकार के शब्दों का जो उपयोग किया था, उसी को लेकर के आज सविता आर्या जी है पानीपत की मुख्य समाज सेवी है, जिन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसके खिलाफ जो है कि बातचीत की है। नमस्कार जी। नमस्ते जी, आज आपको स्वागत है ग्राउंड मीडिया में। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। क्या था पूरा मामला, उसको लेकर के आज आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है? 6 अप्रैल को यहाँ पानीपत में भाई इसका भाजपा का स्थापना दिवस मनाया गया था, जिसमें माननीय प्रदेश के उपाध्यक्ष भाजपा के ना प्रदेश अध्यक्ष थे भाजपा के ओम प्रकाश धनखड़ जी ने शिरकत की थी। और उस कार्यक्रम में संयुक्त मोर्चा की तरफ से एक आदेश आया था ऊपर से कि भई आप शांतिपूर्वक आंदोलन करके और विरोध प्रदर्शन करिए। तो वहाँ पे किसान शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे थे, सामने पुलिस ने बैरिकेड लगा रखे थे, एक तरफ किसान बैठे थे, दूसरी तरफ ये कार्यक्रम चला हुआ था। उसी टाइम इन्होंने एक बाइक रैली निकाली थी भाजपा के कार्यकर्ताओं ने, जिसका स्वागत के लिए वो प्रदेश अध्यक्ष को लेने के लिए वहाँ पे गए थे। उसके बाद जो पुलिस द्वारा तय किया गया जो रूट था, भाजपा जो अध्यक्ष थे प्रदेश अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी, वो तय किए गए रूट से कार्यक्रम में पहुँचे थे। लेकिन कुछ इनके जैसे युवा का जो अध्यक्ष था लड़का, वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ दूसरी तरफ से तय किए गए रूट को छोड़ के जो किसानों की तरफ जो रूट था वो उससे आए और उन्होंने किसानों के साथ गाड़ी ग्लोच करने की कोशिश की, उनके को भड़काने की कोशिश की, अपना झंडा लेके और नारे बोल के किसानों का जो संयम था उसको खोने की कोशिश करी। और पुलिस प्रशासन ने जब उनको रोकने की कोशिश की तो उन्होंने पुलिस पर, हमारी पानीपत की जो पुलिस है उसके ऊपर भी उन्होंने आरोप जड़ दिए। उन्होंने कहा कि मैं पानीपत का युवा अध्यक्ष हूँ, मेरा ये कार्यक्रम है, उसने ये बताना पड़ा कि मेरा ये कार्यक्रम है और हम अपने कार्यक्रम में जाएंगे और हम भी किसान हैं, जय जवान जय, हम समर्थन में आए हैं, ये विरोध में आए हैं, क्योंकि किसानों को इस तरीके से भड़काया गया जी। हम समर्थन में आए हैं, ये विरोध में बैठे हुए हैं और पुलिस के साथ हाथापाई करने की कोशिश करी, पुलिस के काम में बाधा डालने की कोशिश करी। जब कोई किसान या कोई भी शरारती तत्व जो है अगर पुलिस प्रशासन के काम में बाधा डालता है तो उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज होते हैं। तो मैं कहती हूँ कि जब भाजपा के कार्यकर्ता हैं जो वो पुलिस प्रशासन के काम में बाधा डालने की कोशिश करते हैं, जो कि सरेआम वीडियो भी हमारे सामने आई है, तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज अभी तक क्यों नहीं हुआ? वहाँ पे बैठे 30 अज्ञात लोगों के खिलाफ पुलिस प्रशासन ने मुकदमा दर्ज किया है। तो आज मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस यही थी कि मैंने सबसे निवेदन किया है कि सभी, चाहे कोई पत्रकार है, चाहे कोई आम जनता है, चाहे कोई भी है, सभी सामने आइए और भाजपा ज्वाइन करिए। भाजपा ज्वाइन करने का मतलब एक ही है, क्योंकि अगर आप भाजपा ज्वाइन करोगे तो आप सुरक्षित और सेफ हो। सुरक्षित और सेफ क्यों हो? आप अब ये कहोगे कि आप भाजपा का प्रचार कर रही हैं, मैं भाजपा का प्रचार नहीं कर रही हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है, अगर आप भाजपा में हो तो आप चाहो जिस पे मुकदमा दर्ज करा सकते हो, चाहे जिसको आतंकवादी बोल सकते हो, उत्पाती बोल सकते हो, दलाल बोल सकते हो, इस तरह के शब्दों का आप यूज कर सकते हो और आपके ऊपर कहाँ आपके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। अगर आप भाजपा में नहीं हो तो आप न तो आपके मुकदमे दर्ज होंगे, अगर आप आपके खिलाफ कोई भी बोलता रहेगा आपके मुकदमे दर्ज नहीं होंगे और आप बच जाएंगे। जीता जागता उदाहरण है, कितने निर्दोष लोगों पे मुकदमे दर्ज हुए हैं अब तक, कितने पत्रकारों को टारगेट किया गया है। मैं पूरे देश की बात नहीं करूंगी, राष्ट्र की बात नहीं करूंगी, हरियाणा की भी बात नहीं करूंगी, मैं अपने पानीपत की बात करूंगी जिसको लेके मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। हमारे पानीपत में पत्रकारों पे मुकदमे दर्ज हुए, किसानों पे मुकदमे दर्ज हुए, हाँ यहाँ तक कि हमारी पानीपत की कप्तान पे भी मुकदमा दर्ज हुआ था कुछ समय पहले, आपको पता होगा। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप भाजपा में हो तो आप चाहो जिसके ऊपर मुकदमा दर्ज करवा सकते हो। इसलिए मैं ये कहती हूँ पत्रकार भाइयों को भी, अगर आप सेफ रहना चाहते हो कि आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज न हो तो आप भाजपा ज्वाइन करिए, मेरा ये मतलब था। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब किसान शांतिपूर्ण आंदोलन अपना कर रहे थे, विरोध प्रदर्शन करने के लिए वहाँ पर पहुंचे थे, जो भीड़ को उकसाने का जो कार्य किया उन लोगों के खिलाफ क्या करते हैं? तो वही मैंने एक शिकायत पत्र, जैसे ही मुझे पता लगा कि मीडिया के माध्यम से ही कि 30 की अज्ञात लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज हुए हैं कि ये आतंकवादी हैं, तो अगले दिन मैंने भी एक शिकायत लेटर अपनी तरफ से एसपी पानीपत को दिया था कि भाई एसपी पानीपत पुलिस निष्पक्ष जांच करे
और अगर एक आदमी का खाली 30 लोगों ने उसके ऊपर हमला किया, क्योंकि 30 लोग वो तो शांतिपूर्वक थे किसान, तो अगर कोई 30 शरारती तत्व वहाँ पे आए हैं और वो एक लड़के पे अगर कोई वार करके गए हैं जान से मारने की, जो ये कह रहे हैं, और आपने भी देखा होगा, मैंने भी मीडिया के माध्यम से ही पता लगा कि उसकी खाली शर्ट फटी, अगर आपको कोई चक्कू मारेगा तो आपका अंदर से बनियान भी फटेगा, खाली शर्ट नहीं फटेगी, आपका बनियान भी फटेगा, आपको खून भी लगेगा, कुछ तो होगा। तो दूसरी बात, जिसको वो चोट लगी है वो लड़का बयान दे रहा है मीडिया में, मुझे नहीं पता मुझे क्या लगा है, क्योंकि मीडिया से ही मुझे पता लगा, मुझे नहीं पता मेरा क्या लगा है और भीड़ में मेरे को कुछ लगा है और किसने मारा है मुझे नहीं पता। लेकिन उसी टाइम पे पानीपत की जिला अध्यक्ष हैं वो बयान दे रही हैं कि 30 लोगों ने वहाँ पे शरारती तत्व, उत्पाती, उग्रवादी, दलाल और ऐसे ऐसे शब्द बोल के किसानों का जो अपमान किया है, और उसके बाद उन्होंने ये कहा है कि इसको चाकू से इसके ऊपर जानलेवा हमला किया है। कहीं ना कहीं अगर मान लिया आपके ऊपर जो वार हुआ, आप तो कह रहे हो मुझे पता ही नहीं क्या लगा है, और मैं पुलिस में जाके कहती हूँ कि भाई को चाकू लगा है, तो इसका मतलब मैं कौन जज करने वाली हूँ कि उसको चाकू लगा है या उसको और कुछ लगा है, ये जाँच का विषय, ये पुलिस इसकी अच्छे से जाँच करे। उसके लिए मैंने एक शिकायत लेटर SP को दिया है कि इसमें जो भी दोषी है, अगर 30 आदमी दोषी हैं तो कोई मीडिया को भी मैंने रिक्वेस्ट करी है कि आपके पास अगर कोई ऐसी वीडियो हो तो आप पुलिस को दीजिए, इसमें सहायता करिए, पुलिस की भी मदद कीजिए कि अगर कोई शरारती तत्व वहाँ पे आया है जिसने चाकू मारा है तो उसको पुलिस तुरंत गिरफ्तार करे, जो 30 निर्दोष लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ वो कैंसिल होए, और जो भी इसमें शरारती तत्व था जिसने गालियाँ दी हैं, जिसने अशब्द भाषा का प्रयोग किया, जिसने उग्रवादी और आतंकवादी जैसे शब्दों का प्रयोग किया है, क्योंकि ये भी एक अपराध श्रेणी में आता है, अगर मैं किसी को आतंकवादी और उग्रवादी कह के देख लूँ सांस तक मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज होकर पुलिस मुझे इसमें देशद्रोह के उसमें अंदर डाल देगी। लेकिन अगर कोई BJP का कार्यकर्ता किसी को मतलब आतंकवादी उग्रवादी जैसे शब्द बोलता है तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। तो मैंने यही रिक्वेस्ट अपनी पानीपत पुलिस से करी है कि जो भी शरारती तत्व था, चाहे ये लड़के, क्योंकि आपको बताइए कि इनकी मनसा क्या थी जो रूट को छोड़ के दूसरी तरफ आए हैं और वहाँ के किसानों को भड़काने की कोशिश करी, तो कहीं ना कहीं ये दंगा भड़काने वाली बात थी। और वो एक दूसरी बात और सामने आई थी, उसके अंदर वो बोल रहे थे कि मैं एक आम कार्यकर्ता नहीं हूँ, मैं जिला युवा जिला अध्यक्ष हूँ और मेरा नाम बलविंदर आर्य है और मैं उटला गाँव से हूँ, वो ये बताने लग रहा था। तो मैं कहना चाहती हूँ कि पुलिस प्रशासन को बाई नेम पता भी है, जो अपना नाम बता रहा है, अपना पद बता रहा है और ये कह रहा है कि मैं आम कार्य, पुलिस को ये धमकी दे रहा है कि मैं आम कार्यकर्ता नहीं हूँ, मैं युवा का अध्यक्ष हूँ, इसका मतलब वो पुलिस पे रोब दिखाने की कोशिश कर रहा है कि मैं आम कार्य, इसका मतलब आम कार्यकर्ता की कोई वैल्यू नहीं है इसमें, कि मैं आम कार्यकर्ता नहीं हूँ BJP का, मैं एक पद पे हूँ, इसका मतलब तू पद पे है तो तू हमारी पुलिस प्रशासन की वर्दी फाड़ेगा क्या, हमारी पुलिस प्रशासन से हमारी पुलिस को पुलिस के ऊपर वार करने की कोशिश करेगा क्या? कोई भी इंसान है, चाहे वो कोई भी है, अगर वो कानून को अपने हाथ में लेगा, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी है, उसके ऊपर पुलिस कार्रवाई करे। लेकिन अगर मान लिया वो 30 आदमियों ने वहाँ पे वार किया है तो वो 30 आदमी पुलिस उसकी पहचान करे और उन 30 आदमियों को पुलिस गिरफ्तार करे, अगर किसी कोई वीडियो किसी के पास है तो इस तरह की, नहीं तो आंदोलन करने का सबका अधिकार है। माननीय मुख्यमंत्री जी का 4 दिन पहले एक मीडिया के माध्यम से ही मुझे बयान सुना था, उन्होंने कहा था कि किसानों का, किसान हमारे ही परिवार का हिस्सा है, जब माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं किसान हमारे परिवार का हिस्सा है तो पानीपत की जिला अध्यक्ष उनको उग्रवादी और आतंकवादी कैसे कह सकती है? इसका मतलब माननीय मुख्यमंत्री जी का परिवार आतंकवादी है, इसका मतलब उग्रवादी है? मैं ये आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहती हूँ मुख्यमंत्री जी से। दूसरी बात, इन्होंने एक बात मुख्यमंत्री जी ने कहा था, आंदोलन करने का सबका अधिकार है, झंडे दिखाने का सबका अधिकार है, विरोध करने का सबका अधिकार है और हमारे खिलाफ नारे बोलने का सबका अधिकार है, लेकिन कानून व्यवस्था खराब करने का अधिकार किसी को भी नहीं है, और किसान हमारे परिवार का ही हिस्सा है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी के, हम तो चलो फिर भी सौतेले ही हैं, हाँ, जो कि हमने पार्टी ज्वाइन नहीं कर रखी, लेकिन वो ये तो इनके खुद के बच्चे हैं, जब ये कानून व्यवस्था तोड़ते हैं तो इनको क्या सजा मिलेगी? क्यों वो कहते हैं कि भी अगर कोई कानून व्यवस्था तोड़ेगा तो उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज होंगे, उसको मार से भी समझाया जाएगा, पुलिस मारेगी भी और सब कुछ करेगी। तो जब हम तो चलो सौतेले हैं, ये तो अपने इनके खुद के बच्चे हैं, तो इनके ऊपर पुलिस ने क्या कार्रवाई की? तो ये दोहरी नीति क्यों? और मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि पीछे जिलाध्यक्ष का कुत्ता गुम हो जाता है और ये एक प्रेस नोट जारी होता है कि 4 पुलिसकर्मी उसको ढूंढने में लगे हुए हैं,
तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि हमारी पानीपत पुलिस को ऐसा भी ना बनाएं, इसका मतलब उसका इतना भी मनोबल ना गिराएं और मीडिया में ऐसी बयानबाजी ना करें कि एक जिलाध्यक्ष का कुत्ता ढूंढने के लिए 4 पुलिसकर्मी लगाए गए, हजारों बच्चे पानीपत से गुम होते हैं। हाँ, वही मैं कहती हूँ कि कितने बच्चे पानीपत से बच्चे गुम हुए हैं, कितनी महिलाओं के साथ घटनाएं होती हैं, कितनी मेरी बेटियां हैं जो घर छोड़ के जा चुकी हैं, जिसको 5-5 साल से भी, एक मेरी बेटी का तो ऐसा भी है जिसको 5 साल हो गए घर से जाए हुए, उसको भी आज तक नहीं ढूंढा गया, उनके लिए कितनी इन्होंने आवाज़ उठाई है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि भी ऐसा भी हमारी पुलिस का मनोबल ना गिराएं कि उनको बिल्कुल ही मुट्ठी में बांध के रखें, कि ये दिखाने की कोशिश ना करें कि पानीपत जो पुलिस है वो हमारी बिल्कुल मुट्ठी में है, हम जाए जो करवा सकते हैं, जाए जो कर सकते हैं। सविता जी, आखिरी सवाल लेना चाहूँगा आपसे, बार बार ये आरोप लग रहे कि किसान नहीं कांग्रेसी है, किसान नहीं उपद्रवी है, इसको लेकर के जो जिला अध्यक्ष अर्चना गुप्ता, उन्होंने बार बार आरोप लगाए हैं, आपकी तरफ से क्या डिमांड रहेगी, क्या मांग रहेगी? मैं धर्मेंद्र जी एक बात कहना चाहती हूँ, ये कह रही है कांग्रेसी है, मैं उसको प्रोग्राम में गई, मैं उसमें गई थी, ठीक है, अगर मैं कांग्रेसी थी तो जिला अध्यक्ष मुझे बार बार में मैसेज क्यों कर रही थी प्रोग्राम में बुलाने के लिए, पहला सवाल तो मेरा ये है। दूसरा मेरा सवाल ये है कि जो उस प्रोग्राम को लीड कर रहा था एक लड़का जो माइक पकड़े हुआ था, सुधीर जाखड़ नाम का लड़का, सुधीर जाखड़ आप वीडियो उठा के देख लेना, जब हमारे सांसद जी का इलेक्शन था, उसका बेटा चांद, सांसद जी का बेटा चांद है, उसके लिए कैंपेन चलाए हुए था गांव में, गांव जाके उन्होंने उसके लिए वोट मांगा और उसके साथ ही था 24 घंटे। अगर वो आतंकवादी और कांग्रेसी था और उग्रवादी था तो उसने जिला अध्यक्ष की ना इसकी अपने सांसद जी की वोट कैसे मांगी। दूसरी बात, मैं वहाँ पे थी, आप जब पीछे मैं एक किसी आरक्षण को लेके बोली थी उस टाइम पे, तो इन्होंने मुझे कह दिया था ये दुष्यंत की है, ओ ये तो JJP की है, जब जींद इलेक्शन था तो उसमें मैंने कोई सपोर्ट कर दी थी तो इन्होंने मुझे बोल दिया था ये JJP की है, इस तरीके से इन्होंने बयान दिए थे कई जगह। और आज जब मैं किसानों की, क्योंकि मैं किसान की बेटी हूँ, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, आप बाबा बैंगन खाओ और उपदेश बताओ, अब ये मेरे को भी कहने लग जाएंगे कि ये कांग्रेसी है, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ, अगर ये मेरे ऊपर टैग लगाते हैं ये कांग्रेस की है, तो उससे पहले सबूत निकाल के लाएं कि आज तक 8 साल से मैं सोशल मीडिया पे हूँ, आज तक मैंने कोई पोस्ट कांग्रेस की उसमें डाली हो, आज तक मैंने कोई सपोर्ट कांग्रेस का किया हो, आज तक कोई आंदोलन मैंने कांग्रेस के साथ किया हो, आज तक कोई नारे मैंने कांग्रेस के साथ लगाए हों, तो मैं कहना चाहती हूँ कि किसी पत्रकार भाई के पास अगर ऐसा कोई सबूत हो तो प्लीज़ वो भी दिखाएं और मुझे बताएं कि मैं कहाँ से कांग्रेसी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जी, हमारे साथ सविता आर्या जी थी, सामाजिक सेवा यहाँ पर करती रहती हैं और इसी बात को लेकर के आपसे लाइव जुड़ा था कि जो निरंतर किसानों को आरोप प्रत्यारोप उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं, उसी बात को लेकर के आपसे लाइव जुड़ा था। तो बने रहे मेरे साथ ग्राउंड मीडिया से, मैं धर्मेंद्र इंसान। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।